डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। शायद हंगामा खड़ा करना ही इनका मकसद होता है, तभी तो राज्यों के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की तीखी टिप्पणियों के बावजूद हमारे जनप्रतिनिधि विधायिकाओं में हंगामा, शोरगुल व मारपीट तक के शर्मनाक बर्ताव से बाज नहीं आते। तभी तो एक तरफ देश की शीर्ष अदालत में न्यायाधीश केरल विधानसभा के एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान संसद और विधानसभाओं में हंगामा और तोड़फोड़ की घटनाओं को माफ नहीं करने की बात जोर देकर कह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा में धक्का मुक्की और गाली गलौज के आरोप में भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने की कार्रवाई हो रही थी। केरल का मामला तो रोचक इसलिए भी है क्योंकि वहां वर्ष 2015 में विधानसभा में हंगामे को लेकर प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की अनुमति याचिका को लेकर खुद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राज्य में आज जो दल सत्तारूढ़ है वह तब विपक्ष में था। केरल उच्च न्यायालय पहले ही इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर चुका है। महाराष्ट्र के ताजा विवाद के बीच निलंबित किए गए भाजपा विधायकों पर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए मंगलवार को विधानसभा के बाहर ही समानांतर कार्यवाही भी संचालित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केरल मामले में सुनवाई के दौरान साफ कहा है कि हमें विधायक सांसदों के इस तरह के व्यवहार पर सख्त होना पड़ेगा। जस्टिस वी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आरोपियों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना करना चाहिए। इस तरह के व्यवहार को माफ नहीं किया जा सकता। विधायिकाओं में हंगामे कोई पहली बार नहीं हो रहे। पिछली मार्च के अंत में बिहार में तो पुलिस को हंगामा कर रहे विधायकों को घसीटते हुए सदन से बाहर लाते सबने देखा है। अप्रैल में ही ओडिशा विधानसभा में आसन पर चप्पल, ईयरफोन व कागज तक फेंकने के आरोप लगे तो हाल ही पश्चिम बंगाल में राज्यपाल को अभिभाषण तक नहीं पढ़ने दिया गया। जो जनप्रतिनिधि कानून बनाते हैं वे ही कानून का मखोल उड़ाते नजर आए तो सवाल किससे किया जाए। विधायिकाओं में आचरण समितियां भी बनती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में पता नहीं क्यों चुप्पी साध ली जाती है। यह बात सही है कि कई बार ऐसे विवादों के दौरान आसन की भूमिका व सत्तारूढ़ दल का रवैया भी जिम्मेदार होता है, लेकिन हंगामे के बजाय अपने देश व प्रदेश की सूरत बदलने की मंशा रखने वाले ही सही मायने में जनप्रतिनिधि कहलाने के हकदार हो सकते हैं। पाई पैराचेंज। गत 27 जून को सुबह उठते ही खबर आई कि भारत पाकिस्तान सीमा से 15-18 किलोमीटर दूर जम्मू में हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। मध्य रात्रि के बाद ड्रोन से विस्फोटक या बम गिराए जाने के बाद जम्मू वायुसेना स्टेशन में 2 विस्फोट हुए जिसमें 2 सैनिक घायल हो गए। एक विस्फोट हेलीकॉप्टर पार्किंग में हुआ और दूसरा 5 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास 2
सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। एयरपोर्ट पर हवाई संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ड्रोन के जरिए नशीली दवाओं की तस्करी और सीमाओं पर हथियार पहुंचाने के मामले तो सामने आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के सैन्य ठिकानों पर आतंकी हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। निस्संदेह ड्रोन का इस्तेमाल पाक समर्थित छद्म युद्ध में खतरनाक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने इससे इनकार ही किया है। हमला विफल रहा क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही किसी की जान गई। लेकिन इस घटना के बाद से सुरक्षा प्रतिमान सदा के लिए बदल गए। ऐसा लगता है कि तेजी से सुधरते सुरक्षा हालात और जम्मू कश्मीर में सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने मात्र से ही पाकिस्तान बेचैन हो उठा। वह कश्मीर के निरंकुश तत्वों के साथ अपनी मिलीभगत के संकेत देना चाहता है, साथ ही जम्मू कश्मीर में कमजोर पड़ते छद्म युद्ध को भी कुछ गति देना चाहता है। दुनिया के विभिन्न इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल विस्फोटक गिराने या निर्धारित ठिकानों को नष्ट करने के लिए हवाई हमले करने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में होता देखा गया है। अब तक की बेहतरीन सेंसर तकनीक से लैस यूएवी ड्रोन और क्वाड कॉप्टर्स के जरिए जानकारी जुटाने, निगरानी और सर्वेक्षण का काम हो रहा है, यानी युद्ध लड़ने के तरीके बदलने लगे हैं। हालांकि आतंकारी कृत्यों के लिए ड्रोन और क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल गलत परिपाटी की शुरुआत है। इन हवाई यानों की दूर तक हमला करने की क्षमता और अज्ञात ठिकानों को निशाना बनाने से जनता और सुरक्षा कर्मियों पर असंगत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। ड्रोन की आसान उपलब्धता, सार संभाल और इसके सहज लचीले इस्तेमाल व कम कीमत पर मिल जाने के कारण ये रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। यह चिंताजनक स्थिति है। जम्मू की घटना के बाद महत्वपूर्ण सैन्य एवं असैन्य प्रतिष्ठानों व संगठनों की सुरक्षा की समीक्षा करना जरूरी हो गया है, साथ ही इनकी सुरक्षा के तरीकों में भी बदलाव लाने की जरूरत है। चिंताजनक बात यह है कि ड्रोन का आसान इस्तेमाल आतंकी संगठनों को आकर्षित करता है। वे न केवल सीमा के निकटवर्ती इलाकों में बल्कि देश भर में आतंकी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। इससे दूर बैठकर की जाने वाली आतंकी कार्रवाई और धमकी देने की घटनाओं में इजाफा हो सकता है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीक भारत में परिपक्वता और तैनाती के उन्नत स्तर पर है। इनमें सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों का योगदान है। इस तरह के हवाई खतरे को पहचानने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत सेंसर और प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जमीन पर स्थित जगह से संचालित और हवा में तैनात AI लैस ISR संसाधन, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरण, ध्वनि एवं इंफ्रारेड सेंसर के संयोग से ड्रोन पहचान प्रणाली तैयार की जा सकती है। निश्चित रूप से जम्मू में हुआ यह ड्रोन हमला देश के मौजूदा सुरक्षा संकट में एक पक्ष और जोड़ गया।
इस नई चुनौती से निपटने के लिए यथार्थवादी नियामक नीतियों, कूटनीतिक एवं सुरक्षा उपायों की जरूरत है। स्टॉप।